बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि मुहर्रमुल हराम के हवाले से हमारी सीरीज़ वीडियोस चल रही हैं सवालात और जवाबात के सिलसिले में। उलमाए किराम से 50 सवालात पूछे गए और उन 50 सवालों के जवाबात दिए गए, तो जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी हैं। तो आपके अगर कुछ सवालात रह गए हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उन सवालों के जवाबात देख सकते हैं। आज का सवाल है, सुना है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने यजीद को मागफरत के वास्ते किसी ख़ास तरीके से नमाज पढ़ने की तालीम फरमाई थी, क्या ये बात दुरुस्त है? जवाब, अला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं, ये रिवायत महज़ बेअसल है। हज़रत ने कोई नमाज इस पलीद की मागफरत के लिए इसको तालीम फरमाई। रज़िया शरीफ जदीद। सवाल है, यजीद पलीद को बुरा कहना जायज़ है या नहीं? मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बेशक यजीद खबीस को बुरा कहना जायज़ है। फतवा फैज़ उर रसूल हिस्सा अव्वल। सवाल है, यजीद की मौत हालत कुफर पर हुई या हालत ईमान पर? मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यजीद की मौत हालत कुफर पर हुई, ये हालत ईमान पर, इसे अल्लाह व रसूल ही जानते हैं। फतवा रिजविया शरीफ, फतवा फैज़ रसूल हिस्सा अव्वल। सवाल है, यजीद की मौत हालत कुफर पर हुई या हालत ईमान पर? मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यजीद की मौत हालत कुफर पर हुई या हालत ईमान पर, इसे अल्लाह और रसूल अज़्ज़ा जल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते हैं। फतवा फैज़ रसूल हिस्सा अव्वल।